हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फीडिंग हैबिट ऑफ फिश, मतलब फिश में या फिश का जो फीडिंग हैबिट होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के तहत जानेंगे। तो देखते हैं कि जो फिश होता है वह फूड के बहुत सारे वेराइटी को फीड करने के लिए अडॉप्टेड होता है। जो फिश होते हैं एक प्रकार से एक्वाटिक एनिमल होते हैं जो कि जूप्लैंकटन के साथ साथ फाइटोप्लैंकटन को भी फीड करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो फिश होते हैं वह जूप्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन को फीडिंग करने के साथ साथ इन्हें प्लैंकटन फीडर भी कहते हैं। जूप्लैंकटन में जैसे कि इंक्लूड किया जाए तो प्रोटोजोन्स आ गया, माइक्रो क्रस्टेशियन आ गया, माइक्रोस्कोपी इन्वर्टिब्रेट्स आ गया, लार्वे आ गया और एग्स आ गया, है ना। तो इस प्रकार जो फिश रहते हैं वह इस सब की जो जूप्लैंकटन होते हैं उनको फीड करते हैं, साथ ही साथ जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं उनको भी फीड करने का कार्य करते हैं, जो एल्गी फंजाई होते हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग कि क्या होता है कि जो फिश होते हैं वह वेरियस वेराइटी से फूड को फीड करते हैं और अपने अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करके अपनी जो कंप्लीटिटी होती है उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है। तो जो फिश जो होता है वह नेचुरल फूड को किस प्रकार से फीडिंग करता है उसको आधार पर इसे बांटा गया है ना। तो जो डिवाइड किया गया है जो नेचुरल फूड का फिश को, तो यह चार टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है मेन और बेसिक फूड, मतलब मेन या बेसिक फूड कहने का अर्थ ये है कि जो फेवरेबल कंडीशन में जो फिश रहते हैं वह फेवरेबल कंडीशन में होते हुए उसके द्वारा वह नेचुरल फूड को कंज्यूम करते हैं, उसे हम लोग बेसिक फूड्स या बेसिक या मेन फूड्स कहते हैं। साथ ही जो ओकेशनल या क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी फूड रहते हैं, यह स्मॉल क्वान्टिटी में अवेलेबल रहते हैं, अर्थात में जो फीस रहते हैं वह स्मॉल क्वांटिटी के द्वारा फीड करते हैं फूड को। देन तीसरा जो कंडीशन होता है वह इंसिडेंटल फूड होता है। इंसिडेंटल कहने का अर्थ क्या होता है कि जो फूड रहते हैं बहुत ही रेयर कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसके साथ साथ जो फूड रहते हैं उसके साथ साथ कुछ अलग प्रकार के आइटम्स भी रहते हैं जो उसके अंदर फीड किए जाते हैं। देन आता है इमरजेंसी फूड या इसको ऑब्लिगेटरी फूड भी कहते हैं। ऑब्लिगेटरी फूड मतलब जो अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है और यह उस कंडीशन में पाया जाता है जिस कंडीशन में फर्स्ट वाला अर्थात मेन और बेसिक फूड जब अब्सेंट रहता है, तो इस प्रकार के फूड का जो कंज्यूम किया जाता है वह उसके अब्सेंस में किया जाता है, मेन फूड के अब्सेंस में किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फिशेज रहते हैं उनकी फीडिंग हैबिटाट के आधार पर यह फूड को या जो उसके नेचुरल फूड रहते हैं उसको फीड करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी फीडिंग हैबिटाट किस प्रकार से होता है। तो जो फीडिंग हैबिटाट को देखने से पहले हम जान सकते हैं कि जो फिश होते हैं वह किस प्रकार से फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन को फीडिंग करते हैं, साथ ही साथ जो फीडर्स पाए जाते हैं वह किस प्रकार से उसको फीडिंग करते हैं। तो आगे देखते हैं हम फीडिंग हैबिटाट। अगर फीडिंग हैबिटाट की बात की जाए तो जो फिश होते हैं वह उनके जो हैबिट होते हैं वह तीन नेचर की हो सकती है। एक तो हर्बीवोरस हो सकती है, एक कार्निवोरस हो सकती है और एक ओमनीवोरस हो सकती है ना, ये सबको पता है। लेकिन जो हाईली एडाप्टेड जो फीडिंग हैबिट होती है वह मेनली जो होता है वह हर्बीवोरस या कार्निवोरस ही होती है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो फूड अवेलेबल होता है वह उसको जो फिश रहते हैं अपने फूड को किस प्रकार से कंज्यूम करते हैं और अपने जो रिक्वायरमेंट रहते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और यूटिलाइज करके फूड को कंज्यूम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बहुत से फेव स्पीसीज के जो फिश रहते हैं वही केवल हर्बीवोरस और कार्निवोरस को ही फीडिंग करते हैं, है ना। जो मेनली होता है ओमनीवोरस की फीडिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको डिटरमाइन किया जाए तो जो फीड रहते हैं जो फूड रहते हैं वह उसके एबंडेंस अर्थात उसको प्रचुर मात्रा में फिश को मिल जाते हैं, है ना। यदि उसको ये सब फिश को नहीं मिलते तो उस कंडीशन में अब इसकी जो फीडिंग हैबिट रहती है कुछ प्रकार से चेंजेस हो जाती है। तो इसके बारे में होरा और
पीले नामक साइंटिस्ट ने 1962 में बताया कि जो फिश रहते हैं वह एनिमल को फिट करने के साथ साथ अपनी जो बेसिक फूड की जो अवेबिलिटी रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए यह प्लैंकटन मतलब फोटोप्लैंकटन या जो फाइटोप्लैंकटन रहते हैं उसको भी फीड करने का कार्य करते हैं, अर्थात प्लांट को भी फीड करते हैं अपनी मतलब कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसी कारण से प्लैंकटन फीडर कहते हैं। ये होता है फीडिंग हैबिट। अब पहला जो कंडीशन होता है, देखते हैं कि हर्बीवोरस फिश कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो जो हर्बीवोरस फिश रहते हैं यह फ्रेश वाटर को फीड करते हैं, मेनली यूनिसेल्यूलर एल्गी हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, चाहे वह हायर एक्वाटिक प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे वह मड में उगा हुआ प्लांट ही क्यों ना हो, सैंड में उगा हुआ प्लांट ही क्यों ना हो, उसको फीड करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार के फिश जो आते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, जो हर्ब को फीड करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार की जो फूड मटेरियल उनको प्राप्त होती है वह 75% होती है टोटल, उसके कॉन्टेंट के 75% मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी रहती है उसको कंप्लीट करती है। साथ ही साथ यह हर्बीवोरियन हैबिट में होती है। तीसरा जो पॉइंट कह रहा है वह इसकी डाइट, जो डाइट सिस्टम होती है फिश की, वह 1-10% इसकी डाइट को हर्बीवोरस कंप्लीट करता है। जो उसको डाइट जो फीडिंग रहती है उसके एनिमल जो रहते हैं वह 1-10% अपने डाइट को कंप्लीट करते हैं हर्बीवोरस के द्वारा या हर्ब के द्वारा। इसमें आते हैं कुछ लेबियो रोहिता हो गया, लेबियो बोनियस हो गया, लेबियो बाटा हो गया, लेबियो फिब्रियटस हो गया, साइजोथोरेक्स साइनुलस हो गया, साइजोथोरेक्स प्लेजी ओस्टमस हो गया। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है वह जो लेबियो रोहिता है उसको देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जो हर्बीवोरस जो फीडर होते हैं, जो फिश, वो अपनी कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको हर्ब के द्वारा कंप्लीट करते हैं। देन आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कहने का अर्थ क्या होता है कि ये जो रहते हैं ये फूड के साथ साथ एनिमल मतलब प्लांट के साथ साथ एनिमल को भी फीड करते हैं। तो इस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट होती है फिश की, इस प्रकार की जो ओमनीवोरस फिशेज रहते हैं उसमें यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस एल्गी पाए जाते हैं, तथा साथ ही साथ जो हायर एक्वाटिक प्लांट होते हैं जैसे कि रोटिफर हो गया, इंसेक्ट हो गया, और ये जो लार्वी होते हैं इस प्रकार से उसको फीड करते हैं और इस अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो आते हैं जैसे कि साइप्रिनस स्कॉर्पियो हो गया, टोरपिटोरा आ गया, टोरटोर हो गया, सेलिनस मृगला हो गया। इस प्रकार से डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं इसलिए इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको ओमनीवोरस में रिकॉर्ड किया गया है। तो जो डिफरेंट टाइप से जो स्पीसीज होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। देन आता है कार्निवोरस फिशेस। कार्निवोरस फिशेस ऐसे फिशेस होती हैं जो कि फीड करते हैं एनिमल्स को, जैसे कि उस एनिमल्स करने का अर्थ जिसमें वो इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, स्मॉल फिशेस जो लार्ज फिश रहते हैं, स्मॉल फिशेस उसका अपने ही प्रजाति के फिश को खा देते हैं, है ना, इस प्रकार फीड कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो हायर परसेंटेज में एनिमल्स जो रहते हैं उनको फीड किया जाता है जो कार्निवोरस रहते हैं। तो जो इसमें से जो आते हैं जैसे इंसेक्ट हो गया उनको फीड करते हैं, ड्रैगन जो फ्लाइज रहते हैं उसको फीड करते हैं, स्मॉलर फिश रहते हैं उनको फीड करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फिशेस की प्रजाति आती है उसमें ओलागो अटू आती है, मास्टर सिंघाला आता है, मास्टर केवासियस आता है, मास्टर विंटेरस आता है, चना स्ट्रिएटस आता है, इस प्रकार रीडा रीडा आता है, बहुत सारे जो स्पीसीज आते हैं फिश के वो कार्निवोरस फिश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बताया गया है मास्टर सिंघाला और मास्टर केवासियस को बताया गया है। देन आता है चौथा प्रकार का जो मतलब फिश की जो फीडिंग हैबिट रहती है वो प्लैंकटन फीडर्स की तरह होती है, जो कि फाइटोनोइड जो प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन को अपनी गिल जो रेकल्स पाई जाती है उसके थ्रू वह फीड करते हैं। गिल रेकल्स मतलब एक प्रकार का गिल्स का स्ट्रक्चर होता है जो कि हाईली टूथ लाइक होती है, मतलब जो काटने का कार्य करती है उसी प्रकार से यह फिल्टर करने का कार्य करती है वाटर से फीड को, और वह अपने
जो फीडिंग रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट करती है प्लैंकटन को फीड करके। इसमें जो आते हैं कतला कतला आता है, हिल्सा हिल्सा आता है, केडुसिया चपरा आता है, सिरिनियस निगला आता है, सिरिनियस रेबा आता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो होते हैं इस प्रकार के फीडर्स में आते हैं, जिसमें ओमनीवोरस के साथ साथ कार्निवोरस भी फीड होता है। अब जो सरफेस लेवल पर फीड करते हैं, जो मिड लेवल पर फीड करते हैं, जो बॉटम रिजर्व पर फीड करते हैं, इस प्रकार इनको डिवाइड किया गया है उनके फीडिंग हैबिट के आधार पर। तो जो फ्रेश वाटर फिश रहते हैं वह सरफेस लेवल पर किस प्रकार से फीड करेंगे, साथ ही साथ मिड कॉलम लेवल पर किस प्रकार से फीड करेंगे और बॉटम रीजन में किस प्रकार से फीड करेंगे, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। जो सरफेस फीडर रहते हैं इसमें कतला कतला आता है, हाइपोथैलेमिकथिस मोलिट्रिक्स आता है, प्यूनेमेटिक्स टिक्टो आता है, हिल्सा हिल्सा आता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो या स्पीसीज आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे चंदा को बताया गया है, एक फ्रेश वाटर जो बांग्लादेश में पाया जाता है उसको बताया गया है, यह सरफेस लेवल पर फीड करते हैं। और सम स्पीसीज क्या होता है, जो कि मिड वाटर है मतलब मिड रीजन पे या कॉलम रीजन पे जो होते हैं फीडर है होते हैं, जो कि ना तो बॉटम रीजन पे होते हैं ना कि सरफेस रीजन पे होते हैं। इनका जो फीडिंग हैबिट होती है वो केवल मतलब मिड मिड साइड पे होती है, इसी कारण इसे कॉलम फीडर कहते हैं। इसमें लेवियोरोहित आता है, कुटियस सोफर आता है, टोरटोर आता है, वेलागो अट्टू आता है, माइस्टर केवासियस आता है, माइस्टर विटेसस आता है। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज इसके अंतर्गत आते हैं। और जो बॉटम फीडर रहता है, जो बॉटम रीजन पे फीड करते हैं, वह अपनी अवेबिलिटी को कैपेबिलिटी जो बनाए रखने के लिए, अपने अवेबिलिटी जो रहती है उसको कंप्लीट करने के लिए वह बॉटम रीजन पर फीड करते हैं। अब देखते हैं कि जो बॉटम रीजन पर पाए जाते हैं वो बहुत ही पूरा फाइटोप्लैंकटन का साथ साथ जूप्लैंकटन को ही फीड करते हैं, मतलब जो बॉडी का जो किसी भी एनिमल की बॉडी का पार्ट जो ऊपर से कट करके नीचे की ओर जाता है तो उसको फीड करते हैं, या तो फिर जो नीचे जो एल्गीज पाए जा रहे हैं, जो फाइटोप्लैंकटन्स पाए जा रहे हैं उनको फीड करते हैं। तो इसमें इंक्लूड किया गया है लेवियो कालबासो को, लेवियो बाटा को, लेवियो कोनियस को, मृगला को, इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होते हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये जो सरफेस फीडर के जो ओमनीवोरस और कार्निवोरस दोनों हो सकते हैं, ये उनमें से कोई एक होते हैं जो सरफेस फीडर होते हैं, और जो बॉटम फीडर होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और ओमनीवोरस, तीनों टाइप से हो सकते हैं जो मिडर और बॉटम फीडर रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने फीडिंग को किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। देन आता है, इसके बाद देखते हैं कि जो फिश होते हैं है ना, वह किस प्रकार से, किस तरीके से या किस मेथड से फीडिंग करते हैं फीडर को, है ना। जो पहला प्रीडेटर, प्रीडेटर कहने का अर्थ है शिकारी, क्योंकि फिश का एक मोस्ट क्या बोल सकते हैं, उसी कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वह अपने फीड को या अपने प्रे को प्रीडेटर के रूप में फंक्शन करके उसे पकड़ता है ना। तो इसकी एक मतलब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो गई, यह प्रीडेटर के रूप में कार्य करता है। तो प्रीडेटर के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, जो उसके टीथ होते हैं है ना, उसके थ्रू वह किसी भी प्रे को पकड़ता है, उसको ग्रासिंग करता है, उसको फूड से मतलब मसल करके उसको फीड करता है। इसके एग्जाम्पल आते हैं शार्क, गार्स और पाइक फिश आते हैं। दूसरा ग्रेजर्स, ग्रेजर्स फिश होते हैं, यह बाइट के द्वारा मतलब अपने प्रे को बाइट करते हैं, काटते हैं, देन उसके पश्चात ये फीड को या प्लैंकटन को क्या बोलते हैं, बॉटम ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं प्लैंकटन, उसको फीड करने का कार्य करते हैं। इसमें आता है ब्लू गिल आता है ना, पैरोट फिश आता है, बटरफ्लाई फिश आता है। देन तीसरा जो टाइप्स होता है स्ट्रेनर्स, स्ट्रेनर्स मतलब इस प्रकार के जो फीड रहते हैं, जो फीडिंग हैबिटेट होती है फीड मतलब फिश की, वो होता है फिल्टरिंग एडाप्टेशन होती है, मतलब यह अपने जो गिल्स रेगर्स पाए जाते हैं उसके थ्रू जो फूड मटेरियल पाए जाते हैं उसको स्टेरिंग करते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं, देन उसके पश्चात उसको वह अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो फीडिंग हैबिट होती है वह प्लैंकटन फीडर होती है। देन चौथा आता है सकर,
सकर कहने का अर्थ है कि नाम से स्पष्ट हो जा रहा है वह उसको सक करके ही फिट करेंगे। जो बॉडी जो फिश का बॉडी रहता है उसके कुछ माउथ रीजन पे कुछ सकर दीप पाए जाते हैं जो किसी भी प्रे के बॉडी को सक करके उसके जो ब्लड रहते हैं उसके जो पार्ट से जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको सक करके वह अपनी लिप के द्वारा या माउथ के द्वारा सकिंग प्रोसेस के द्वारा उसको फीड करते हैं। और इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह टचिंग प्रोसेस के थ्रू होती है जिसमें आते हैं स्ट्रेजिनियस लेबियो ऑस्टियोसिलस आदि आते हैं। देन आता है पैरासाइट। जो पैरासाइट कहने का अर्थ है चिपक करके किसी भी परजीवी की तरह जो फिश रहते हैं वह अपने फीडिंग हैबिटेट को कंप्लीट करने के लिए उसको फीड करते हैं, पैरासाइट की तरह बिहेवियर करते हैं। तो इसमें आते हैं टेप्सी ईल जो होता है वह किसी भी एनिमल्स या किसी प्लांट में चिपक जाता है और उसके बॉडी को से जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो फीडिंग रिक्वायरमेंट रहती है उसको फिर टेकन करने लगता है, लेके देना लगता है। इस प्रकार इसमें जो आते हैं साइक्लोस्टोमेटा भी लोग करते हैं इससे। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो फीडिंग हो रही है ना उसकी जो मॉडिफिकेशन फार्म है बेसोफेरिंक्स की वह इस प्रकार से कार्य करती है और जो फिश रहती है वह अपने आवश्यकताओं को कंप्लीट करती है। ये होता है फीडिंग हैबिट के कुछ प्रोसेस। देन जो फीडिंग इंटेंसिटी मतलब किस प्रकार से फीडिंग की जो क्षमता होती है उसको किस प्रकार से बताया गया है यहाँ पे फार्मूला के थ्रू। तो फार्मूला क्या कह रहा है, जो गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स होता है उसका फार्मूला कहता है कि वेट ऑफ द स्टोमक कॉन्टेंट अपॉन वेट ऑफ फिश, मतलब पूरे स्टोमक जो कॉन्टेंट रहते हैं जो स्टोमक में जो कॉन्टेंट रहते हैं उसकी वेट को फिश के वेट से भाग करके उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो इंटेंसिटी निकलती है उसी को फीडिंग इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए फूड पार्टिकल को प्रोड्यूस करना जरूरी होता है, इसी को गैस्ट्रोसोमेटिक इंडेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा फीडिंग हैबिट होता है वह फिश में कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे कि जो फिश होते हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से कार्य करते हैं, अपने एलिमेंट्री के नाम में किस प्रकार से फूड को अपने डाइजेशन में लेते हैं, देन उसके बाद क्या क्या प्रोसेस चलती है इसको आगे के वीडियो में हम देखेंगे जो उसकी अभी एलिमेंट्री कैनाल की या डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियोस होगी। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि जो फिश होते हैं वह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपनी फीडिंग हैबिटेट रखते हैं जिसमें हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। और फीडिंग हैबिटेट रखने के साथ साथ वो अपने किस मेथड के थ्रू या किस प्रोसेस के थ्रू अपने फीडिंग को कंप्लीट करते हैं उसके बारे में हमने देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट्स दें। धन्यवाद।